नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बलात्कार और हत्या करने वाले आरोपी को रीवा जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लगभग 4 साल पहले 2016 में गुड़ थाना अंतर्गत आरोपी राम जियावन 22 वर्ष द्वारा मृतका के घर में उसके अकेले होने का फायदा उठाकर घर में गृह अतिचार करके जबरन उसके साथ बलात्संग कारित किया गया और इस प्रक्रिया में जब मृतका के द्वारा घटना का विरोध किया गया तब आरोपी ने वहां पर पड़े लकड़ी के बैट और हसीये से उसकी हत्या कर लाश को नदी के किनारे फेंक दिया, जिसे सुबह गांव वालों ने देखा और गुड़ पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त मामले में विचारण के बाद दिनांक को न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश पॉस्को रीवा द्वारा विशेष लोक अभियोजक पॉस्को रीवा रविन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरो राम जियावन 25 वर्ष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के न्यायालय से आरोपी राम जियावन और टिरू प्रजापति को धारा 449, 450 और 376 और 302 में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 5 धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और कुल 22,000 रुपये का जुर्माना दिया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 449 में 8 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये धारा 2,000 रुपये की सजा सुनाई गई। धारा 450 में 8 वर्ष की सजा और 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। धारा 376(2)(f) में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। बलात्कार के 3 अलग अलग मामलों में जो कि 376(2)(f), 376(2)(i) और 376(2)(j) में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और 302 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। ये मामला गुड़ थाना का है। ग्राम एक्चुअली क्या है, पॉक्सो में विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, इसलिए मैं इंटेंशनली ग्राम का नाम नहीं बता रहा हूँ। गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है। घटना दिनांक 1/12/2016 को आरोपी राम जियावन ने मौके का फायदा उठाते हुए जब विक्टिम अपने घर में अकेली थी उस समय गया और घर के अंदर क्रिमिनल ट्रेस पास करते हुए विक्टिम के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जब उसे लगा कि विक्टिम चिल्लाएगी और उस इसके संबंध में बाहर बताएगी तो उसको वहीं पड़े बैट और हसीये से उसकी हत्या कर दी। मामला बड़ा संगीन था और हत्या करने के पश्चात वो बाहर लाश फेंक दिया। काफ़ी ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी। इन्वेस्टिगेशन तत्कालीन थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह चौहान के द्वारा की गई और इसमें काफ़ी कम एविडेंस भी थे, मामले में डीएनए नहीं कराया गया था और इसके बावजूद जब चालान पेश हुआ दिनांक 13/1/2017 को जब न्यायालय में चालान पेश हुआ उस समय मेरे डीपीओ श्री संजीव श्रीवास्तव सर इसमें काफ़ी अच्छे से पैरवी कर रहे थे। जब मैं आया मैंने देखा कि मामले में डीएनए नहीं है। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए का आवेदन दिया जिससे कि ये पता चल सके कि जो एक्चुअली रेप हुआ था वो रेप आरोपी के द्वारा ही किया गया था किसी और के द्वारा, क्योंकि और ऐसे कोई आई विटनेसेस नहीं थे जो घटना का समर्थन कर रहे थे। हमारे पास केवल और केवल एक ही साइंटिफिक एविडेंस था जो माननीय न्यायालय ने मेरी आवेदन को स्वीकार करते हुए डीएनए परीक्षण का आदेश दिया था और डीएनए में आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।